हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस समय दिल्ली में हैं। दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के लिए आर्थिक मदद और इसके अलावा तमाम अन्य प्रोजेक्टों को लेकर लगातार केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष हिमाचल के इन मुद्दों को रख रहे हैं। इस पर आपको डिटेल से जानकारी देंगे और इसके अलावा हिमाचल में भर्तियों का प्रारूप अब बदलने वाला है, इस पर भी विस्तार से अपने दर्शकों को अवगत करवाएंगे। स्कूल छुट्टियों को लेकर, स्कूल टाइमिंग को लेकर आज एक बार फिर से शिक्षा विभाग ने प्रदेश भर के स्कूलों के लिए डायरेक्शन जारी की गई है, आदेश जारी किए हैं। क्या ये डायरेक्शंस हैं, इन सभी अपडेट से अवगत करवाएंगे और हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी दर्शक हैं इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी के साथ कमेंट बॉक्स के जरिए अपने सुझाव जरूर दें, खासतौर पर स्कूल टाइमिंग को लेकर, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो कोहरा काफी ज्यादा जम रहा है और इस वजह से धुंध के आगोश में प्रदेश के मैदानी इलाके आ चुके हैं। छात्रों को सुबह स्कूल जाने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। तो जितने भी अभिभावक हैं, शिक्षक हैं, अपने अपने जिले से आप टाइमिंग को लेकर के आपके स्कूल में, जिले में, क्षेत्र में क्या टाइमिंग होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बताएं ताकि आपकी उन समस्याओं को शिक्षा विभाग व सरकार तक हम पहुंचा सके। फिलहाल शुरुआत करते हैं शिमला जल प्रबंधन निगम की खबर को लेकर और बड़ी खबर ये शिमला जल प्रबंधन निगम से सामने आई है। यहां पर एक बार फिर टेक्नोक्रेट अफसर की एंट्री हो गई है, यानी कि शिमला जल प्रबंधन में टेक्नोक्रेट अफसर की एंट्री हुई है। जल शक्ति विभाग के चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट मंडी वीरेंद्र सिंह ठाकुर को शिमला जल प्रबंधन निगम में मैनेजिंग डायरेक्टर कम सीईओ लगाया गया है और ये प्रभार लंबे समय से एचएस अधिकारी डॉक्टर पंकज ललित देख रहे थे। अब डॉक्टर पंकज ललित के पास निदेशक भाषा कला एवं संस्कृति और सचिव कला संस्कृति एवं भाषा अकेडमी शिमला का ही कार्यभार रहेगा। और आपको बता दें तो जल शक्ति विभाग के अफसर को शिमला जल प्रबंधन निगम में तैनाती मिलने से दोहरा लाभ हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी का पद मिलने के साथ अब जल शक्ति विभाग में एक चीफ इंजीनियर का पद खाली हो गया है। ऐसे में जल शक्ति विभाग के सबसे वरिष्ठ अधीक्षण अभियंता दीपक गर्ग मुख्य अभियंता पद पर पदोन्नत होने के लिए पात्र हो चुके हैं। अगली खबर की बात करें, हिमाचल प्रदेश में बिजली बोर्ड कर्मचारी लगातार वेतन न मिलने की वजह से काफी ज्यादा रोष में है और लगातार जो है वो सरकार से मांग कर रहे हैं। और इस बिजली बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा जिस तरह से लगातार 5 दिन आज हो गए हैं वेतन न मिलने की वजह से, आज भी उनका रोष प्रदर्शन जारी रहा। शिमला में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने बोर्ड मुख्यालय कुम्हार हाउस में प्रदर्शन किया, नारेबाजी भी की और बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने सरकार से जल्द वेतन अदायगी की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि अगर उनके वेतन की अदायगी जल्द नहीं की गई तो कर्मचारियों का यह आंदोलन और ज्यादा उग्र हो जाएगा। प्रदेश भर में बोर्ड कर्मी सैलरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 52 साल के इतिहास में पहली बार ऐसी स्थिति बनी है कि कर्मचारियों को अब तक सैलरी ही नहीं मिल पाई है और ऐसे में अब बोर्ड कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ अपना आंदोलन और ज्यादा उग्र कर दिया है। उधर ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स आई बोर्ड कर्मियों ने भी समर्थन में, आई बोर्ड के कर्मियों ने भी बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का समर्थन किया और समर्थन में इंजीनियर्स फेडरेशन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और कहा है कि नए साल के 5 दिन बीत चुके हैं, अभी तक वेतन नहीं दिया गया है। 52 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है बिजली बोर्ड में स्थायी एमडी की तैनाती की जाए। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सभी विभागों को ओपीएस लागू की लेकिन बिजली बोर्ड कर्मचारियों को ओपीएस नहीं दी गई, तो ऐसे में राज्य सरकार बिजली बोर्ड कर्मचारियों के लिए भी ओपीएस को लागू करे। इसके अलावा फेडरेशन ने इन सभी मामलों में हस्तक्षेप करने की मांग सरकार से उठाई है। फेडरेशन ने सरकार को यह चेताया है कि यदि बोर्ड कर्मियों इंजीनियर्स को जल्द न्याय नहीं मिला तो ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन चुप नहीं बैठेगी और सभी राज्यों के इंजीनियर इनके समर्थन में उतरेंगे। और ऐसे में अब यह भी कहा गया है कर्मचारियों द्वारा कि अगर लंबे समय तक ऐसा ही हाल बिजली बोर्ड का रहा, कर्मचारियों को वेतन नहीं दिए गए, अन्य वित्तीय लाभ नहीं दिए गए, तो ऐसे में प्रदेश भर में बिजली भी बाधित हो सकती है। फिलहाल अगली खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले कहा कि दिल्ली दौरे पर है, उस दौरान जहां वो कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात कर रहे हैं। तो इसी बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर हिमाचल प्रदेश के लिए नए प्रोजेक्ट और इसी के साथ आर्थिक मदद का आग्रह केंद्र सरकार से कर रहे हैं। फिलहाल आज सीएम सुक्खू ने दिल्ली में कांगड़ा हवाई अड्डे का मसला उठाया। आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया से उन्होंने मुलाकात की और कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग उठाई है। सीएम ने 320 विमानों के संचालन के लिए हवाई अड्डे के 1376 मीटर से 3010
मीटर तक बढ़ाने पर भी चर्चा की और सीएम ने कहा कि राज्य सरकार भू अधिग्रहण प्रक्रिया पूरा करेगी। प्रदेश में प्रस्तावित हेलीपोर्ट की प्रक्रिया में भी तेजी लाने को कहा गया है केंद्र सरकार को और हेलीपोर्ट से जनजातीय दूर दराज क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों को इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज भी इससे मिलेगी। बर्फबारी में पर्यटक फंस जाए तो सुरक्षित निकालने में भी उनको मदद मिलेगी। फिलहाल केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उड़ान योजना के तहत रक्कड़, पालमपुर, चंबा और इकांगपियो में हेलीपोर्ट पर विचार चल रहा है। अगले चरण में अन्य हेलीपोर्ट पर भी विचार किया जाएगा। संजौली हेलीपोर्ट पर अफसरों को उन्होंने निर्देश दिए हैं और इसी के साथ हेलीपोर्ट संचालन प्रक्रिया में तेजी लाने का भी आश्वासन केंद्र सरकार ने आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को दिया है। अगली खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने लोकसभा चुनाव को लेकर शंखनाद कर दिया है और आज हिमाचल प्रदेश में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं। सोलन में रोड शो के माध्यम से जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव को लेकर आगाज आज कर दिया। फिलहाल जेपी नड्डा का हिमाचल प्रदेश में दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का सोलन में सबसे पहले रोड शो हुआ, परमाणु से सोलन तक जगह जगह उनका स्वागत भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। इसके बाद जेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही है और इस कोर ग्रुप की बैठक में जेपी नड्डा के साथ साथ तमाम दिग्गज नेता भाजपा के शामिल हुए हैं। प्रदेश भर से भाजपा के कार्यकर्ता इस कोर ग्रुप की बैठक में शामिल हुए हैं और हिमाचल प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति यहां पर तैयार की जा रही है। फिलहाल हिमाचल पहुंचे जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जाति की राजनीति करती है। पीएम मोदी ने देश में चार जातियों को तवज्जो दी, महिला, युवा, किसान और गरीब। चीन तक पीएम मोदी की तारीफ कर रहा है जेपी नड्डा ने यह कहा। हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने 900 संस्थान बंद कर दिए, 200 अस्पतालों को हिमकेयर इलाज का पैसा नहीं मिला। जेपी नड्डा बोले कि भारत तोड़ने वाले भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। अब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। जिन लोगों ने भारत को तोड़ने की कसर नहीं छोड़ी, भारत विरोधी यात्रा निकालने वाले जनता से माफी मांगे। जेपी नड्डा ने आज यह बयान हिमाचल में दिया और ऐसी यात्रा निकालने का कोई फायदा नहीं है। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए यह भी कहा। जेपी नड्डा ने कहा इसके अलावा क्योंकि पूरे देश भर में अयोध्या के उद्घाटन और इसी के साथ अयोध्या मामले को लेकर जिस तरह से आप देख सकते हैं कि देश भर में जश्न का माहौल है और इसी को लेकर जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश में अयोध्या को लेकर हिमाचल प्रदेश की भी खूब तारीफ की और इसी के साथ कहा कि अयोध्या का आज जो निर्माण हुआ है उसके पीछे हिमाचल प्रदेश का भी गहरा योगदान रहा है। जेपी नड्डा ने कहा कि राम मंडी निर्माण में भी हिमाचल का बड़ा योगदान है। 11 जून 1989 को पालमपुर की पावन धरती से राम मंदिर का प्रस्ताव पारित हुआ था और आज प्रस्ताव साकार होता दिखाई दे रहा है। अटल आडवाणी पालमपुर आए थे और उस प्रस्ताव को पारित करने का कार्य किया गया था और ये हिमाचल के लिए गौरव की बात है। तो फिलहाल हिमाचल प्रदेश में पहुंचकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लोकसभा चुनाव को लेकर किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। भाजपा ने अभी तक जो कार्य किए हैं, भाजपा के जो ऐसे कार्य रहे हैं जिस पर पूरे देश भर के लोगों को काफी फायदा हुआ, इन तमाम सभी योजनाओं को इस दौरे के माध्यम से और हिमाचल प्रदेश में कोर ग्रुप के माध्यम से भाजपा को भी ये डायरेक्शन जारी की जा रही है कि केंद्र सरकार की तमाम सभी नीतियों को और सभी तमाम योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाए ताकि लोकसभा चुनाव में इसका बेनिफिट भाजपा को मिल सके। फिलहाल अगली खबर की बात करते हैं। डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री का तबादला करने से जुड़े आदेशों को वापस लेने से जुड़े आवेदनों पर प्रदेश हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिनभर चली सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने सभी पक्षकारों की ओर से दी गई दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उनका निजी कारोबारी से संपर्क करने का इरादा इतना था कि वो दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता कर मामले को सुलझाना चाहते थे। उन्होंने कोर्ट को बताया कि वो 3 माह के भीतर रिटायर होने वाले हैं, इसके चलते बेकसूर होने के नाते मुझे पुलिस विभाग से सम्मानजनक सेवानिवृत्ति मिले। और आपको बता दें तो सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत पाने के बाद कुंडू ने एक आवेदन कर उन्हें किसी अन्य पद पर ट्रांसफर करने के हाईकोर्ट के फैसले को वापस लेने की गुहार लगाई है। एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने भी अपने खिलाफ दिए आदेशों को वापस लेने की मांग से जुड़ा आवेदन दायर किया है। हाईकोर्ट ने 26 दिसंबर को डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को अपने वर्तमान पदों से हटाने के आदेश दिए थे और कोर्ट ने गृह सचिव को इस बाबत शीघ्र ही जरूरी कदम उठाने के आदेश दिए हैं। और इसके बाद कुंडू ने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत पाते हुए अपने तबादले पर स्थगन आदेश प्राप्त किया है।
इसी के साथ अगली खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अब आगामी समय में जो भी नई भर्तियां होगी अलग अलग विभागों में, उन भर्तियों के नियम अब बदले जाएंगे। अब सभी भर्तियों के RNP रूल्स ऑनलाइन होंगे। विभागों को ऑनलाइन करने के आदेश जारी कर दिए हैं, यानी कि अब तमाम सभी विभाग अपने विभागों में जो भी भर्तियां होगी उनके RNP रूल्स ऑनलाइन वेबसाइट पर चढ़ाएगा। और इससे पहले ऑफलाइन ये भर्तियों के RNP रूल्स बनते थे। कमीशन से होने वाली भर्तियों से इसमें काफी ज्यादा दिक्कतें आती थी। कई बार RNP रूल्स में कमीशन को अगर कोई कंफ्यूजन होता था तो फाइल वापस जाती थी, उसके बाद डिपार्टमेंट उसमें संशोधन करता था, तो ऐसे में एक लंबा प्रोसेस हो जाता था। लेकिन अब चुटकियों में भर्तियों के RNP रूल्स विभागों से कमीशन तक पहुंच जाए, इसी के साथ जितने भी अभ्यर्थी हैं वो भी और RNP रूल्स विभागों के और आसानी से ऑनलाइन एक ही जगह पर पढ़ सके, इसको लेकर अब सरकार आने वाले समय में ऐसी व्यवस्था लागू करने वाली है कि तमाम सभी सरकारी भर्तियों के जो ऑनलाइन रूल्स है वो फाइलों में बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। अब ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया जाएगा और इसी सिस्टम के तहत तमाम सभी अलग अलग कैटेगरियों की भर्तियों के RNP रूल्स ऑनलाइन डिस्प्ले किए जाएंगे। इससे न केवल कमीशन बल्कि हिमाचल प्रदेश के तमाम सभी युवाओं को भी काफी ज्यादा फायदा भविष्य में मिलेगा। इसी के साथ अगली खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के समर क्लोजिंग स्कूलों को लेकर शिक्षा विभाग ने उपनिदेशकों को आदेश जारी किए हैं और कहा है कि जिन स्कूलों में स्थिति खराब है, जहां पर कोहरे की वजह से बच्चों को स्कूल में आने जाने में दिक्कतें पेश हो रही है, वहां पर स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया जा सकता है। और समर क्लोजिंग स्कूलों में ऐसे में अब यह कहा जा रहा है कि टाइमिंग में एक बार फिर से बदलाव हो सकता है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने जिला उपनिदेशकों को आदेश जारी किए हैं और कहा है कि आप प्रिंसिपल से बात करें और प्रिंसिपल को सहमति दे, अनुमति दे, और उसके बाद उपायुक्त SDM और SDM से अनुमति ले और स्कूल की जो टाइमिंग है उसमें बदलाव किया जाए, क्योंकि इन दिनों मैदानी क्षेत्रों में कोहरा काफी ज्यादा जम रहा है और उस वजह से प्रदेश के मैदानी इलाके धुंध की आगोश में है, बच्चों को सुबह स्कूल जाने में काफी ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही है। तो ऐसे में शिक्षा विभाग ने स्पष्ट रूप से सभी स्कूलों को कहा है कि छोटे बच्चों का भी खासतौर पर ध्यान रखा जाए, वायरल की चपेट में स्कूली छात्र ना आए, इसके मद्देनजर सुबह तड़के बच्चों को स्कूल ना बुलाया जाए और 10 बजे से 3 बजे तक स्कूल की टाइमिंग को किया जाए, क्योंकि आपको बता दें तो प्रदेश के अधिकतर स्कूल सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक लगते हैं, इस तरह का ये शेड्यूल अलग अलग जिलों में है। तो ऐसे में अब इसमें बदलाव की मांग, माफ कीजिएगा, बदलाव का जो एक डायरेक्शन है वो शिक्षा विभाग की ओर से जारी हो चुकी है। स्कूल प्रिंसिपल्स को, हेडमास्टर्स को यह छूट दी गई है कि वो अपने स्कूल का टाइम चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको संबंधित प्रशासनिक, जिला प्रशासनिक अधिकारियों से, चाहे वो उपायुक्त हो, SDM हो, तहसीलदार हो, उनसे अनुमति लेनी होगी और उसके बाद वो अपने स्कूल का जो समय सारिणी है उसमें बदलाव कर सकते हैं। अगली खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के 3,000 आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल कैंपस में चल रहे हैं। अब इन केंद्रों में आंगनबाड़ी वर्कर प्री नर्सरी के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। सरकार ने बाल विकास विभाग से इस पर राय मांगी है और जब तक एंटिटी शिक्षक नहीं भर्ती होंगे तब तक आंगनबाड़ी वर्कर प्री नर्सरी के बच्चों को पढ़ाने में मदद करेंगे, क्योंकि एंटिटी शिक्षक भर्ती को लेकर अभी इंतजार करना पड़ सकता है और भर्ती के लिए बीच का रास्ता अभी तक तमाम अधिकारी जो है वो निकाल नहीं पा रहे। इसलिए सरकार ने ये रास्ता अपनाया है कि अगर बाल विकास विभाग की ओर से ये सहमति दे दी जाती है कि आंगनबाड़ी वर्कर प्री नर्सरी के बच्चों को पढ़ाएंगे, तो फिलहाल के तौर पर अभी जितने स्कूलों में 3,000 ऐसे लगभग स्कूल है जो स्कूलों के साथ चल रहे, आंगनबाड़ी केंद्र है जो कि स्कूलों के कैंपस में चल रहे हैं, तो ऐसे में एक ही कैंपस में आंगनबाड़ी केंद्र भी है, प्री नर्सरी के बच्चे भी पढ़ते हैं, तो सरकार ने यह रास्ता निकालने का प्रयास किया है। शिक्षा विभाग और बाल विकास विभाग को आपस में इसका समाधान निकालने के डायरेक्शन जारी किए हैं ताकि प्री नर्सरी के जो बच्चे हैं वो स्कूलों में खेल खेल में पढ़ सके और उनका जो मानसिक और शारीरिक विकास है वो समय के साथ होता रहे। तो फिलहाल अगली खबर की बात करें, हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवा इंतजार कर रहे हैं भर्तियों के रिजल्ट को लेकर। तो फिलहाल जो IT मामले पर आज हमने अपडेट लेना चाहा कार्मिक विभाग से कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ हलचल विभाग के स्तर पर हो रही है, तो जो IT मामले पर अभी तक कार्मिक विभाग को लीगल ओपिनियन नहीं मिल पाया है और कार्मिक विभाग इंतजार कर रहा है कि कब कानूनी राय आएगी और उसके बाद जो IT 817 का रिजल्ट घोषित किया जाए, क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला स्पष्ट रूप से दे चुकी है। जो IT का जो मामला है वो सुलझ चुका है सुप्रीम कोर्ट से, अब केवल कानूनी राय का इंतजार
इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद करीब 1800 पदों पर जो रिजल्ट घोषित होना है जेआईटी 817 का, वो रिजल्ट घोषित किया जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि लोक सेवा आयोग को इस रिजल्ट को घोषित करने का जिम्मा यहाँ पर सौंपा जा सकता है। फिलहाल क्योंकि यहाँ पर कहा यह भी जा रहा है कि विजिलेंस के दायरे में जो भर्तियां नहीं है उनके प्रोसेस को भी लोक सेवा आयोग जल्द शुरू करेगा। आयोग ने सरकार को यह स्पष्ट कर दिया है कि जो भर्तियां विजिलेंस में नहीं है उनका रिजल्ट वो घोषित कर देंगे। और इसी के साथ महिलाओं के 1500 रुपए पर बात करें तो महिलाओं के 1500 पर एक बार फिर सरकार की ओर से हलचल शुरू हो गई है। पात्र महिलाओं की पूरी जानकारी के साथ बायोडाटा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सरकार ने मांगा है। और इसमें यह कहा गया है कि महिलाओं को 1500 देने पर सरकार पर कितना आर्थिक बोझ पड़ेगा इस पर पूरी जानकारी दी जाए। और इसी के साथ तमाम कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो कि 1500 रुपए के लिए पात्र है, उसमें आरएनपी रूल सरकार की ओर से पहले भी तय किए गए थे कि अगर किसी के परिवार में कोई सरकारी नौकरी वाला है तो वहां पर 1500 रुपए महिला को नहीं दिए जाएंगे, सरकारी नौकरी वाली महिला को 1500 रुपए नहीं दिए जाएंगे। और जो जहां पर तमाम ऐसे बहुत सारे आरएनपी रूल्स हैं आपको विस्तार से जरूर बताएंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि महिलाओं के 1500 रुपए को लेकर एक बार फिर से हलचल शुरू हो गई है और विभागीय स्तर पर इस पर कसरत करना भी शुरू कर दिया गया है कि कितनी महिलाएं प्रदेश में ऐसी है जिन्हें 1500 रुपए दिए जाने हैं। क्योंकि अभी तक काचा, लाहौल स्पीति और किन्नौर की महिलाओं को यह फायदा दिया गया था और अब पूरे प्रदेश भर की महिलाओं को 1500 रुपए जितनी भी पात्र महिलाएं होगी उनको राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा। और क्या सीए लगाए जा रहे हैं कि 26 जनवरी से पहले जो है वो हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को सरकार 1500 रुपए उनके खाते में दे सकती है।